कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, गरीब के इस बेटे ने यह तय किया कि मैं अपने हर गरीब भाई बहन को संकट की इस घड़ी में मुफ्त राशन दूंगा। हमने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। कोई भी परिवार ऐसा न हो जब इन कोरोना की मुसीबत के समय जिसका घर का चूल्हा न जले, ऐसा कोई बेटा बेटी न हो जिसको रात को भूखा सोना पड़े। और इसलिए मोदी ने अन्न के भंडार खोल दिए और देश के गरीबों को मुफ्त में अन्न दिया, आज भी चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने, आप सुनिए, गरीब के पेट में जाने वाला अन्न, गरीब का जलने वाला चूल्हा, ये भी कांग्रेस के लोगों के लिए चोरी करने का माध्यम बन गया। कांग्रेस सरकार ने इसमें भी घोटाला कर दिया। आज यहां का हर लाभार्थी कांग्रेस सरकार से पूछ रहा है कि बताओ हमारे हक का राशन कहां गया। पूछोगे कि नहीं पूछोगे? घर घर जाकर के बताओगे कि नहीं बताओगे? क्या कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप मुझे बताइए साथियों, जो राशन में घोटाला करे वो वापिस आने चाहिए क्या? उनको दोबारा मौका देना चाहिए क्या? और अगर मौका मिल गया तो ज्यादा घोटाला करेंगे कि नहीं करेंगे? छत्तीसगढ़ पूरी तरह तबाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? साथियों, ये तो मैं दिल्ली में बैठा हूं ना, तो थोड़ा भी डरते हैं। ये दोबारा मौका मिला तो घोटाले करने की इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी छत्तीसगढ़ में कोई उनको रोक नहीं पाएगा।